जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा मोहल्ला कमेटियों का गठन करके मतदाताओं में अधिक से अधिक मतदान करने तथा मतदान कराने का अलग जगाया जा रहा है, जिसके तहत राजस्व निरीक्षक नगर प्रदुमन सिंह और उनकी टीम द्वारा अंधियारी बाग स्थित संत रविदास मंदिर परिसर में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें मतदाताओं को ईवीएम के साथ वीवीपैट का प्रयोग तथा मतदाताओं को वोट देने के गुर सिखाए गए। अभियान में उपस्थित लोगों को मतदान किए जाने के लिए शपथ भी दिलाया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए राजस्व निरीक्षक नगर प्रदुमन सिंह ने कहा, ये है कि शहर की लिटरेसी अधिक होती है या ग्राम गांव की तुलना में या कम होती है, आपसे मैं जानना है। लिटरेसी मतलब ज़्यादा होती है, गांव में 50-60% होगी तो शहर में ऑलमोस्ट 90%। इसमें जिसको आप वोट देंगे वो पर्ची वहाँ दिखेगी 7 सेकंड के लिए, जो आप सब लोग चेक कर लीजिएगा, जिस मशीन में कई जगह वोट डाल करके जिसको आप डालना चाहते हैं डाल करके, तो हर मशीन में ही रहेगा, हर मशीन में पहले ऐसा नहीं था कि उसकी मशीन में था। इस बार रहेगा तो आपका भ्रम और दूर हो जाएगा। और दूसरा एक चीज बता दूँ, फेसिस में इंजीनियर भी रहा हूँ हवाई जहाज में, इस सिस्टम में किसी के माध्यम से बहुत सारा सुने होंगे आप, इस सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं लगा है जिसको आप हाईजैक कर सकते हैं, हैक कर सकते हैं। अच्छा, कोई चीज नहीं है। और आप यहाँ आपके सामने है प्रत्यक्षम के प्रमाण, यहाँ पर बटन दबाइए और देखिए उस पर वोट जा रहा है कि, फिर अगला चेंज करके देख लीजिए, ठीक है। और ये सिस्टम जो वोटिंग का होता है, इतना इंडिया का, यूनाइटेड नेशन में भी रहा हूँ, इसलिए वर्ल्ड वाइड कल्चर भी थोड़ा जान लगा, कुछ बदलाव हुआ है चुनाव आयोग ने। इंडिया का जो वोटिंग सिस्टम है वन ऑफ द बेस्ट वोटिंग सिस्टम है, और आपको यही पता होगा दुनिया की सबसे लार्जेस् ट, और देश नकल करते हैं कि इतनी डाइवर्सिटी के साथ भारत चुनाव कैसे करा रहा है। और सही है, जरूरत है, हमें जहाँ भ्रम हो उसको हम चेक करने जाते हैं। इसकी मॉनिटरिंग बहुत सीनियर आईएएस द्वारा होती है, टाइम भी चेक हो सकता है, खास होता है। साउथ इंडिया का इधर आएंगे, इधर वाले साउथ में जाएंगे, साउथ वाले जेएमसी में जाएंगे, जेएमसी वाले बिहार में जाएंगे, इस तरह करके क्रास, और उनके सुपरविजन में होता है, ठीक है। सब ओवरऑल वो हो जाते हैं इसके इंचार्ज, और उनके सुपरविजन में सारी निर्वाचन आयोग जैसे डेली का रूटीन जारी करता है। वक्त कल जाए, हम भारत के नागरिक, लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जात, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जय हिंद। कार्यक्रम मतदाताओं को जागरूक करने के लिए हमारे दो एस्पेक्ट हैं। एक तो ये है कि वोट परसेंटेज हमारा बढ़े, दूसरा मतदाताओं के अंदर जो भ्रांति है वोट डालने को लेकर के, कि वोट हम डालते हैं कहीं और पड़ जाता कहीं और, तो इस संदर्भ में हम वीवीपैट पर उनको दिखा रहे हैं विंडो पर कि आपने जिसको वोट डाला वही पर्ची कट के नीचे जाती है, इसमें किसी प्रकार के भ्रम की जरूरत नहीं है। हाँ, सभी जगह मतदाताओं को शपथ भी दिलाई जा रही है। शपथ का उद्देश्य यह है कि मतदाता अपने अपने नैतिक कर्तव्यों को, नैतिक दायित्वों को समझें और अपने इस मतदान में बढ़ चढ़कर भाग लें और इसमें गर्व महसूस करें।